शहर में ईद का निकलता चांद देखते ही रोजेदारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देकर बड़े इजाके के साथ खुशी का इजहार किया तथा प्रशासन को मोमिनपुरा के लोगों ने ईद में पूरा सहयोग किया और ईद के मौके पर अल्लाह से कोरोना की बीमारी पूरी तरह से दूर होने की दुआ की। पेश है हमारे संवाददाता संजय बिरे, इनकी मोमिनपुरा की ईद के ग्राउंड रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। रमजान का उद्देश्य अपने आप में पवित्रता को बढ़ाना है और एक महीने में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना है जिसका प्रभाव वर्ष के बाकी दिनों में भी देखा जा सकता है। ईद उल फित्र वास्तव में व्यक्तिगत जवाबदेही का दिन है। नए कपड़े सिर्फ पहनने ही नहीं बल्कि दिल और दिमाग को साफ रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। टेबल को सजाने के लिए नहीं, यह चरित्र में सुधार करने का भी दिन है। इस दिन पैसे बर्बाद करने के बजाय चिंता करनी चाहिए। ईद जीवन में मुस्कान लाने का दिन है। न केवल ईद के दिन बल्कि पूरे वर्ष हमें गरीबों की देखभाल करने की आवश्यकता है। जब तक हम ईद को गरीबों के साथ नहीं मनाते हैं, हम ईद की सच्ची खुशियों से वंचित रहेंगे। यह हमें भाईचारे और एकजुटता को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन विशेषता और कृतज्ञता, त्याग और भक्ति को ऊंचाई प्रदान करता है। पवित्रता और नवीनीकरण को पाठ पढ़ाने के साथ परिवर्तन और क्रांति का संदेश देता है। आइए हमको यहाँ पे मोमिनपुरा में कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताएं कि किस तरह से ईद मनाई जा रही है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक हो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सरकार ने बहुत ही हमारा साथ दिया है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें सुकून शांति से सब चीज़ बनी रहे। और हमारी सबसे बड़ी ईद यही रहेंगी कि इस देश से, हमारे पूरे मुल्क से, सारी दुनिया से यहाँ से कोरोना चले जाए, ये सबसे बड़ी हमारी ईद रहेगी। कोरोना के हम ये कहना चाहेंगे कि हम ये चाहते हैं कि कोरोना इस देश, तो अपने हमारे नागपुर से क्या, इंडिया से क्या, पूरी दुनिया से निकल जाए, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। हमने दुआओं में भी यही मांगा है कि ये ईद में हम रो रो के सबने यही दुआएं मांगा है, हमारे पूरे दोस्त भाई सब ने यही दुआ मांगा है कि ये कोरोना इस, ये पूरी जड़ ही खत्म हो जाए। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविजन की टीम मोमिनपुरा के उस बस्ती में खड़ी है जहां पे कभी कभार चहल पहल रहा करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हर तरफ सन्नाटा सा दिख रहा है। एकाध दो वाहन यहां से आते जाते नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि आज ईद का दिन है और जामे मस्जिद के नाम से, ये वही मस्जिद है जो नागपुर शहर में 265 मस्जिदें आती है, उन्हीं में से है ये एक मोमिनपुरा की जामे मस्जिद। इस ईद उल फित्र यानी ईद उल फित्र जो सूरज ढलने से पहले और चाँद का सूरज देखने के बाद ईद को मनाया जाता है और आज यहाँ हर कोई अपने घरों में इबादत करते हुए नजर आ रहा है। ईद उल फित्र में अल्लाह के मोमिन बंदे रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं और अपने आत्मा की शुद्धि यानी पाक साफ रहते हैं। आत्मा को शुद्ध करने का ये पाक साफ महीना यानी माहे रमजान का महीना है और आज है ईद। हर कोई अपने घर में अमन चैन के साथ में ईद मना रहा है और पूरी तरह से प्रशासन को सहयोग करते हुए भी नजर आ रहा है। वरना जब भी कभी ईद का माहौल होता है, नागपुर शहर का ये मोमिनपुरा की ये वही सड़कें हैं जहां पांव रखने के लिए जगह तक नहीं रहती, ये एक सच्चाई है। लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार और प्रशासन द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया है, जिसके चलते इसी श्रृंखला में नागपुर शहर भी आता है। एकाध दो वाहन यहाँ पे दिखाई देते हैं, जबकि ये खुली सड़कें ये बात को बयां करती है कि किस तरह से यहाँ के लोग पूरी तरह से शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को सहयोग कर रही है। आप देख रहे हैं कि कुछ पुलिस कर्मी भी यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकाध दो सेव की दुकानें खुली हुई है, बाकी ये जो तमाम लाइन की दुकानें हैं पूरी तरह से बंद है। और ईद का त्यौहार हर कोई अपने घर में मनाते हुए इस कोरोना को जल्द से जल्द सिर्फ नागपुर से नहीं, राज्य से नहीं, भारत देश से नहीं, तो पूरे विश्व से ये इस कोरोना का नायनाट हो, कोरोना पूरी तरह से चले जाए, इसके लिए लोग अपने अल्लाह ताला को दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी शांति सौहार्द के साथ ये ईद का प्रोग्राम मोमिनपुरा के मस्जिदों में मात्र चार लोग की उपस्थिति में यहाँ पे नमाज अदा की गई और बाकी के लोगों ने अपने घर में नमाज पढ़ना ही बेहतर समझा।
और आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद एक ऐसा पर्व है, ईद एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियां लाता है, एक दूसरे को गले मिलाता है। मगर कोरोना के इस कार्यकाल में लोग भले जिस्म से एक दूसरे से न मिल पा रहे हो, मगर रूह से एक दूसरे से जरूर मिल रहे हैं, और यही है सच्ची इबादत, यही है सच्ची पूजा, जिसे कहते हैं ईद। और ईद की BCN परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी दिली मुबारकबाद देते हैं। मोमिनपुरा से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़ नागपुर।